नफे सिंह राठी हत्याकांड में अब तक पुलिस हत्यारों तक पहुंचने में नाकाम साबित हुई है, लेकिन आज पुलिस ने नफे सिंह राठी की हत्या की वारदात में इस्तेमाल की गई i20 कार को बरामद कर लिया है। गाड़ी को रेवाड़ी रेलवे स्टेशन के बाहर से बरामद किया गया है। वहीं गाड़ी मिलने के बाद झज्जर जिले के SP अर्पित जैन ने बताया कि नफे सिंह राठी की हत्या करने वाले 4 शूटरों की पहचान भी पुलिस ने कर ली है। उनका कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरा जो अभी मर्डर का केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसमें वो जो गाड़ी है i20 जो इस्तेमाल हुई थी वो रिकवर हो चुकी है रेवाड़ी रेलवे स्टेशन के बाहर, और FSL की टीम ने पूरा उसका मुआयना और जो भी ऑन रिकॉर्ड लेना था वो ले लिया है। उसका जो ओरिजिनल ओनर है वो भी आइडेंटिफाई हो गया है, और कुछ लोग ऐसे थे जो बीच में भी इन्वॉल्व हैं, वो गाड़ी एक से दूसरे के पास जाती रही, तो ऐसे भी कई लोगों को राउंड अप किया गया है और उनसे भी पूछताछ जो है जारी है कि कैसे ये इन अपराधियों के पास जो है गाड़ी पहुंची है। इसी के साथ जो नामजद इसमें आरोपी हैं तो उनमें से कल जो है विजेंद्र राठी, संदीप राठी, राजपाल उर्फ पालेराम जो है और नरेश कौशिक, उनसे काफ़ी लंबी पूछताछ की गई है और वो पूछताछ अभी निरंतर जारी रहेगी और कल भी 6 घंटे के आसपास जो है पूछताछ चली है। तो जो हमारी SIT है वो सारे तथ्यों पर, सारे एंगल्स पर, सारे डायमेंशंस पर, सारे पक्षों पर उनसे पूछताछ कर रही है और उसका जल्दी जो भी निचोड़ निकाल के और जो भी इसमें अपराधी है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और आज भी सतीश राठी और गौरव राठी जो इसमें नामजद हैं उनसे जो है हमारी टीम्स जो है बात कर रही है और हर पहलू पे उनसे पूछताछ जारी है। साथ ही इसमें जो मेन इन्वॉल्व है वो चारों आइडेंटिफाई हो गए हैं और हमारी टीम्स अलग अलग प्रदेशों में विभिन्न जगहों पर रेड कर रही हैं और जो भी बेस्ट पॉसिबल, जो भी बेस्ट है वो अपना अनुसंधान जो है जारी है। एक टीम है वो पूरा इन्वेस्टिगेशन ऑन रिकॉर्ड सारा लेना है उसमें लगी हुई है और बाकी टीम्स जो है हमारी, एक DSP भी बाहर हैं, सारे लोग रेड्स पे लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी इन अपराधियों को अरेस्ट किया जाए और हमारी कोशिश है कि जल्दी अरेस्ट करके इनको पेश करके और जो भी इसमें इन्वेस्टिगेशन करता है या तो CBI के पास जाएगी या हमारे पास, तो हम सारे तथ्यों के साथ इसकी पूरी पैरवी करेंगे ताकि उनको कड़ी से कड़ी जो है सजा मिल पाए और जिसका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, 1% भी अगर किसी का रोल है तो उसको हमारी तरफ से बख्शा नहीं जाएगा। देखिए अभी कई लोगों से पूछताछ जो है जारी है और जो भी इसमें संदिग्ध हैं, कई जिनका रोल लग रहा है उनसे हमारी STF की टीम्स और झज्जर पुलिस की टीम जो है पूछताछ कर रही हैं और मैंने फिर बताया कि जो 4 मेन लोग हैं वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं और हमारी टीम्स अलग अलग जगह रेड्स कर रही हैं और हमारा प्रयास है कि उनको जल्दी जो है अरेस्ट किया जाएगा। लेकिन जो नामजद हैं उसमें 6 लोगों से जो है पूछताछ जारी है, कल 4 लोगों से काफ़ी लंबी जो है उनसे उनकी इंटरोगेशन पूछताछ की गई है, आज भी 2 जो उसमें आरोपी हैं उनसे पूछताछ कर रहा है। वो उन्होंने फेसबुक से निकाला है, जो अपना सोशल मीडिया होता है उस पर कई बार नंबर होता है तो वहाँ से उसने निकाला है। नहीं, इसमें तो अभी उनका बायनेम FIR में जिनके नाम है विजेंद्र राठी, संदीप राठी, राजपाल और नरेश कौशिक, उनसे पूछताछ जो है अभी निरंतर जारी है और आज मैंने बताया कि सतीश राठी और गौरव राठी को आज बुलाया गया, बाकी चारों से कल पूछताछ की गई लंबी। हाँ, उनसे पूछताछ की गई है, उन्होंने ज्वाइन भी किया है और आगे भी अभी पूछताछ निरंतर जारी रहेगी। सर, ये आपको पता चला था हरियाणा पुलिस है, झज्जर पुलिस झाड़ जेल भी गई तो उसका क्या है? देखिए इसमें जो भी संदिग्ध आ रहा है उन सबसे पूछताछ हो रही है, ना सिर्फ तिहाड़ जेल बल्कि विभिन्न जेलों में, तो जो भी हमको जहाँ पे भी डाउट की सुई जा रही है, 1% ये किसी का रोल लग रहा है तो हम उसमें बिल्कुल फुल प्रूफ पूछताछ कर रहे हैं और मैंने बताया कि इसके बिल्कुल जड़ तक जाने का हमारा प्रयास है और चेन में सारे लोग जो इन्वॉल्व हैं, कोई वेपन सप्लाई में रहता है, कोई किसी में रहता है, तो सबको इसमें जो है हम अरेस्ट करेंगे और पूरी पैरवी करेंगे कि उनको कड़ी से कड़ी सजा हो। देखिए उसकी अभी जो डिटेल्स है वो अभी तक आई नहीं है, मैंने आज पर रिमाइंडर भिजवाया है तो उसमें एक बार जो भी सोशल मीडिया की हमारी कंपनीज होती हैं उनसे डिटेल्स मांगी जाएंगी, उसके बाद ही मैं कह पाऊंगा कि वो कहाँ से डला है और क्या उसमें आईपी है, तो उसके बाद इस विषय पर कुछ बोल पाऊंगा। SP अर्पित जैन ने बताया कि वारदात में इस्तेमाल की गई i20 गाड़ी को रेवाड़ी रेलवे स्टेशन के बाहर से बरामद किया गया है। गाड़ी के असली मालिक का भी पता चल गया है और ये गाड़ी हमलावरों तक किस किस के जरिए पहुंची इसकी भी छानबीन की जा रही है।
एसपी अर्पित जैन के मुताबिक एसआईटी समेत पुलिस की 8 टीमें इस मामले को सुलझाने में लगी हुई हैं। एक तरफ हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी जारी है, तो वहीं एक टीम हत्या के मामले में नामजद आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी है। एसपी जैन का कहना है कि अगर इस हत्याकांड में किसी का 1% भी रोल है तो उसे बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा, लेकिन हत्या के असली मास्टरमाइंड तक पुलिस कब तक पहुंचेगी ये देखने वाली बात होगी। बहादुरगढ़ से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।